नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आज 6 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को गंगा का जलस्तर चेतावनी सीमा को पार कर गया है। आपको हम बता दें, बक्सर जिले में चेतावनी का लेवल 59.3 एवं खतरे का निशान उससे 1 मीटर अधिक 60.3 अंकित है। जैसा कि केंद्रीय जल आयोग के कर्मियों ने आज शुक्रवार को बताया, बढ़ने की रफ्तार प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर है। एक दिन पहले रफ्तार घटकर 1 सेंटीमीटर हो गई थी, लेकिन बीती रात इसमें काफ़ी इजाफा हुआ। रामरेखा घाट के दोनों विवाह मंडपों में पानी भर गया है। इसको लेकर बक्सर खबर की टीम गोलाघाट पर स्थित केंद्रीय जल आयोग के कर्मियों से मिली। उन लोगों ने जो बताया वह आपके समक्ष है। रफ्तार से बढ़ोतरी है गंगा का जल स्तर, प्रति घंटा 3 सेंटीमीटर रफ्तार से बढ़ोतरी है। और वार्निंग लेवल से और डेंजर लेवल से 85 सेंटीमीटर कम है अभी। चेतावनी लेवल पार कर गई है। चेतावनी लेवल तो पार कर ही गई है सर, जिस तरीके से। जैसा कि अभी आपने सुना, गंगा का पानी चेतावनी सीमा को पार कर गया है, अर्थात लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि चेतावनी की सीमा उसी लिए निर्धारित की जाती है। केंद्रीय जल आयोग के कर्मी से विस्तृत बातचीत करने के बाद हमारी टीम के लोग सदर SDO के उपाध्याय से मिले। आखिर बचाव की जिले में क्या तैयारी है, इस संबंध में उनसे विस्तृत चर्चा हुई। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जो भी तटीय इलाके हैं उनमें नाविकों को और नावों को लगा दिया गया है और लगातार नज़र रखी जा रही है। कहीं भी अगर बसावट वाले जगह पर पानी चढ़ेगा तो हम लोग फिर जो भी आश्रय स्थल की बात हो रही है, फिर कहीं भी जो उपाय करना होगा पशुओं के लिए वो सब हम लोग करेंगे। हाँ, वो गंगा पर गंगा में अभी स्नान करने और उसको नाव को ले जाके प्राइवेट लोगों को घुमाने, इसके अलावा मछली मारने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है और इसको लगातार मॉनिटरिंग थाना के स्तर से, चौकीदारों के स्तर से और जो पंचायत स्तरीय कर्मचारी हैं उनके स्तर से भी करवाया जाए। अभी आपने सदर SDO के उपाध्याय को सुना, उन्होंने बताया गंगा घाटों पर धारा 144 लागू है। लोगों के स्नान, नौका परिचालन पर प्रतिबंध है। गोताखोर तैयार किए गए हैं। इस पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारी वीडियो टीम के एडिटर रवि मिश्रा स्वयं रामरेखा घाट गए थे। अब आपके समक्ष पूरी स्थिति को वे स्पष्ट करेंगे। बक्सर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ताज़ा आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो चेतावनी लेवल है उसको गंगा पार कर चुकी है और डेंजर लेवल के आसपास है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार गंगा का जो करंट बना हुआ है उससे अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। आप सबसे पहले ज़रा तस्वीरें देखिए, आपको बक्सर के रामरेखा घाट की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से गंगा में जो करंट है वो लगातार बना हुआ है, गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जो वार्निंग लेवल है उसको गंगा पार कर चुकी है, यानी कि अब खतरे के निशान से लगभग 85 सेंटीमीटर दूर है। ऐसे में अब जो जिला प्रशासन की धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये दावा ज़रूर किया जा रहा है कि तमाम जो तैयारी है वो किया जा चुका है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सबसे खास बात यह है कि गंगा के किनारे जो दियारा का इलाका है वहाँ के लोगों की मुश्किलें, वहाँ के लोगों की जो धड़कनें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से गंगा में करंट बना हुआ है, जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही स्थिति रही तो पानी गाँवों में भी घुस सकता है और जब ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर तौर पर अफरा तफरी का माहौल होता है, क्योंकि दियारा का जो इलाका है वो हमेशा इस ध्वंस को झेलता है, क्योंकि गंगा का पानी जब भी बढ़ता है तो दियारा इलाके में जो गंगा का पानी है वो प्रवेश कर जाता है और वहाँ के लोगों के सामने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरनाथ पांडे और सुलाला बाबा, गंगा आरती मुख्य पुजारी। आप यहीं रामरेखा घाट पे ही रहते हैं? 24 घंटा हम यहीं पर रहते हैं। पहले भी जब बाढ़ की स्थिति होती थी या बारिश ज़्यादा होती थी तो गंगा का जलस्तर बढ़ता था, इस बार क्या आप लोग देख रहे हैं? इस बार 2016 से कम है।
लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि वैसा ही इन साल भी बाढ़ आएगा, क्योंकि पानी का जो रफ्तार है, तेजी है, करंट है, बहुत तेज है। इससे लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा भी आ सकता है जल गंगा का। अभी अभी एक हफ्ता पहले पानी काफ़ी नीचे था, लेकिन अब पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। लग रहा है कि स्थिति गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हो सकती, परेशानी बढ़ सकती, परेशानी भर सकती है धीरे इलाके का लोगों को। तो देखिए, ये पुजारी हैं, रामरेखा घाट में ही रहते हैं और बता रहे हैं कि लगातार इनका यहाँ पर बने रहते हैं और देख रहे हैं कि लगातार जो गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और इसके कारण जो है वो लोगों की धड़कनें जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये ज़रूर दावा किया जा रहा है कि प्रशासन तमाम तैयारियों को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और माल जाल के नुकसान नहीं हो इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप डरे नहीं, लेकिन सुरक्षित स्थान पर जरूर रहें और प्रशासन की तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं वो सुरक्षा को लेकर के, बचाव को लेकर के वो करने का जरूर दावा किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है उसके बाद प्रशासन की तरफ से धारा 144 गंगा घाटों पर लगा दिया गया है, यानी कि गंगा में स्नान करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो प्राइवेट नाव हैं या फिर जो नौका विहार होता है उन तमाम चीज़ों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है और उसके बाद जो किसी तरह की परेशानी हो उससे बचने को लेकर के प्रशासन के तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है प्रशासन। और प्रशासन का ये दावा ज़रूर है कि तमाम जो तैयारी है वो प्रशासन के तरफ से ज़रूर की कर ली गई है, लेकिन लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है ताकि अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ता है, अगर गंगा का पानी गांवों की तरफ रुख करता है, दियारे इलाके में रुख करता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है ताकि समय रहते जो बचाव का जो कार्य है या जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो तमाम चीज़ें हैं वो उनका ख्याल रखा जा सके। तो निश्चित तौर पर कहें कि एक बार फिर से बक्सर में भी जो गंगा है वो लोगों को डराने लगी है और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों का दावा तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उसके बाद लोगों की धड़कनें जरूर तेज हो गई हैं। रवि मिश्रा, बक्सर खबर, बक्सर।